और ये सब क्या है? मम्मी राजा बाबूजी, ये हमारे पड़ोसी का बेटा है और जब इसकी मम्मी नहीं होती है तो ये हमारे घर आ जाता है। ओके। तो एक काम करना, पहले चाय लेके आना, बाद में शरबत। जी दोनों लेके आऊं? जी लेके आती हूँ। चलो ना खेलते हैं। ये मेरा दोस्त है रोहन। पहना, मैं तेरे लिए एकदम ढिंचा फिल्मी गिफ्ट लेके आया हूँ। अरे वाह! हाँ, ये मेरे फिल्म के थासू पोस्टर है। रोहन, तूने ये फिल्म देखी है? हाँ, हम दोनों ने साथ साथ देखी है। फिर ये वाले अंकल फिल्म में दिखाई क्यों नहीं दिए? मैं बंसो, आज तो तूने हद ही कर दी। तूने सुबह से मुझे वो जो होता है ना उसके लिए पूछा ही नहीं। वो जो पीते है ना पानी, नहीं वो जो गरम होता है, गरम पानी। हटे मुंह तेरे, ओ लंगूर। एक मिनट याद कर रहे थे मुझे, वो चाय। हाँ चाय। तूने मुझे सुबह से चाय तक नहीं पूछी। वो चाय बिना ना मेरा आलस नहीं जाता है। अभी सेठानी जी बैठिए ना, आप कैसे चाय लेने के लिए जा सकती हैं? आप तो हमारी सेठानी जी है ना। मैं हूँ ना आपकी नौकरानी, मैं आपके लिए चाय लेकर आऊंगी। फूफी, लगता है कि आपकी याददाश्त वाली बीमारी थोड़ी और बढ़ गई है। ओए जहाँ तक मुझे लगता है मेरे भूलने की प्रॉब्लम्स है, चाय का क्या लेना देना है। अच्छा फूफी बताइए कि ये कौन है? बंसो। और मैं कौन हूँ? तू तो अमृता है ना। तो चाय कौन लाएगा? बंसो। चाय के चक्कर में फूफी को चक्कर आने लगे। फूफी, ये बंसो के भाई हैं, सुपरस्टार हैं, फिल्मों में काम करते हैं। हाय रब्बा। वे बंसो सेठानी है, अमृता चाय बनाती है और ये फिल्म बनाता है। हे वाहिगुरु, ये वो है, वो ये भी है और वो भी है। पहना, मगर ये कौन है? ये फूफी है। फूफी? फूफी? किसकी फूफी? ये गुग्गी भाई साहब की फूफी है। ओए नम्रता, ये गुग्गी कौन है? गुग्गी हमारी बंसो मालकिन के पति हैं। ओए ओए बंसो, तूने शादी कर ली? भाई साहब ने कभी बताया नहीं कि उनकी भी कोई फूफी है। अरे भूल गए होंगे, वो इतने बिजी रहते हैं, कभी इस देश के पीएम से मीटिंग, कभी उस देश के पीएम से मीटिंग, समय नहीं लगा होगा। बंसो, इतना भी मत फेंक कि उसे कैच ही ना कर पाए, आराम से धीरे। ओए तू है ना, अपनी अगली फिल्म है ना मेरे ऊपर बना दे। फूफी गई भूल ते मुरझा गया फूल, मैनू भी भुलक्कड़ बना दिया। अब मैं कुछ बोलूंगा तो बहना तू कहेगी कि मैं बोल रहा हूं। दिन का टाइम में झूठ नहीं बोलूंगा। ये शाहरुख, सलमान, आमिर सब लोग मुझसे डरते हैं। क्यों, आप कोई बदमाश हो? अरे नहीं बेटा, क्योंकि मैं हीरो नंबर 1 हूँ। 4 दिन पहले ये अपने तीनों का फोन आया था, फोन 1 by 1, और कहने लगे राजा भाई ये कौन है? मैं हूं बेटा, मैं। ये तो कुछ भी नहीं। हाँ?
कैट जब डांस सीख रही थी ना। कैट सीएटी कैट मतलब बिल्ली। मगर तुम्हें तो प्रियंका चोपड़ा अच्छी लग रही है। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आप प्रियंका से मिलवा दीजिए, मुझे बड़े होकर प्रियंका जैसा बनना है। प्रियंका जैसा बनना।